हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, ये वीडियो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड। दोस्तों, जैसा कि बीपीएससी टीजीटी 2023 का एग्जाम जल्द ही होने वाला है, दिसंबर के फर्स्ट वीक या दिसंबर मिड मंथ में आपका हो ही जाएगा। एंड इस सब को देखते हुए मैंने चैप्टर वाइज सभी टॉपिक का एमसीक्यू डिटेल में करते हुए आपके समक्ष डेली बेसिस से प्रस्तुत कर रही हूँ। आप सभी डेली बेसिस से मेरे साथ बने रहिए और प्रैक्टिस कीजिए। एंड दोस्तों, ये केवल बीपीएससी टीजीटी 2023 के लिए नहीं है, अदरवाइज ऑल फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी लोग इसे प्रैक्टिस कीजिए। और थ्योरी सेशन पढ़ना चाहते हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे सभी थ्योरी सेशन आपको डिटेल में मिल जाएगा टॉपिक वाइज। एंड दोस्तों, आप अपने सेल्फ स्टडी पर भी ध्यान दीजिए। तो चलते हैं समय नष्ट न करते हुए आज के क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि रक्त का कार्य है। दोस्तों, रक्त का क्या कार्य है? तो रक्त का क्या कार्य है? ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है, वृद्धि कारकों को ले जाता है। व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ ब्लड? क्या है? ऑक्सीजन सप्लाई करता है, कैरिंग ग्रोथ फैक्टर यानी कि वृद्धि कारकों को ले जाता है। तो ऑक्सीजन की सप्लाई जैसे आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, या ऑक्सीजन को लेकर समस्त कोशिकाओं तक जाता है और वहाँ पे कोशिकाओं में जाकर के कोशिकीय श्वसन के द्वारा, वायवीय श्वसन के द्वारा माइटोकांड्रिया में ऊर्जा का निर्माण करता है, एटीपी का निर्माण करता है। एंड वृद्धि कारकों को जो भी पोषक तत्व होता है हमारे शरीर के लिए आवश्यक, वो रक्त अपने साथ लेकर के जाता है। तो यहाँ पे ए दोनों आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय के ऊपरी चैम्बर को कहते हैं, हृदय के ऊपरी चैम्बर को क्या कहते हैं? तो हृदय के चार चैम्बर होते हैं, ऊपर के दो चैम्बर को कहते हैं। व्हाट इज द अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट कॉल्ड? तो अपर चैम्बर को कहते हैं अलेंद्र, अपर के दो चैम्बर को कहते हैं अलेंद्र और लोअर के दो चैम्बर को कहते हैं नीलय। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रुधिर कणिकाओं में कौन सा तत्व ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को वाहक का कार्य करता है? विच एलिमेंट इज रेड ब्लड सेल्स एक्ट एज ए कैरियर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड? तो वो है आपका हीमोग्लोबिन। लाल रुधिर कणिका में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीम प्लस ग्लोबिन यानी कि हीम मतलब होता है आयरन, एंड ग्लोबिन यानी कि प्रोटीन। आयरन और प्रोटीन से मिलकर बना होता है हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन को लेकर के समस्त शरीर के कोशिकाओं तक पहुंचाता है। और तो इस प्रकार ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को वाहक का कार्य करता है हीमोग्लोबिन, जो है हमको शक्ति प्रदान करती है। इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है, रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड कहाँ पे होता है? दोस्तों, तो अस्थि मज्जा में यानी कि इन द बोन मैरो, जो हमारी लॉन्ग बोन होती है, लॉन्ग हड्डियाँ लंबी हड्डियाँ होती हैं, उसके बीच में खाली स्थान होता है जिसे हेवेल्सियन नाल कहते हैं, उसी में बोन मैरो होता है जिसमें से रक्त का निर्माण होता है, लाल रक्त कणिकाओं का। नेक्स्ट है दोस्तों, ऐसी धमनी जो अशुद्ध रक्त को हृदय से लेकर फेफड़ों तक पहुँचाती है, द आर्टरी दैट कैरीज इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। ऐसी धमनी जो अशुद्ध रक्त को हृदय से लेकर के फेफड़ों तक पहुंचाती है उसे कहते हैं पल्मोनरी धमनी। क्या कहते हैं? पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन बनाने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? विच एलिमेंट इज रिक्वायर्ड टू मेक हीमोग्लोबिन? तो वो होता है लोहा। हीमोग्लोबिन हीम प्लस ग्लोबिन यानी हीम मतलब आता है आयरन, ग्लोबिन मतलब होता है प्रोटीन, यानी कि आयरन और प्रोटीन से मिलकर बना होता है हीमोग्लोबिन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन ब्लड बैंक की तरह कार्य करता है? हु एक्ट ए ब्लड बैंक? तो वो होता है आपका प्लीहा। जैसे कि दोस्तों आरबीसी में न केंद्रिका न्यूक्लियस भी नहीं होता है, लाइसोसोम भी नहीं होता है। लाइसोसोम जो है वह मृत कोशिका को मारता है, लेकिन क्या होता है कि मरा हुआ जो ब्लड होता है वो कहाँ पे जा करके, ब्लड जो है कहाँ पे जा करके मरता है? तो वो मरता है आपका प्लीहा में, इसलिए ब्लड बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति में सिस्टोलिक दबाव का दायरा कितना होता है? व्हाट इज द रेंज ऑफ सिस्टोलिक प्रेशर इन ए हेल्दी पर्सन? तो एक स्वस्थ व्यक्ति में सिस्टोलिक दबाव यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है आपका 100 से 130 mmHg। तो यहाँ पे मिनिमम कहाँ पे राइट हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर
सी राइट हो जाएगा 110 से 125 mmHg, यानी कि ब्लड प्रेशर आपका होता है 180, ब्लड प्रेशर होता है 120-80 mmHg, यानी कि 120 जाने का सिस्टोलिक प्रेशर एंड 180 जो है आने का यानी कि डायस्टोलिक प्रेशर होता है मिनिमम। ऐसे में आपका सिस्टोलिक दायरा आपका होता है 100 से 130 यानी 110 से 125 एंड डायस्टोलिक दायरा होता है 70 से 90। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय के किस भाग यानी चेंबर से एरोटा जुड़ा होता है? टू विच पार्ट चेंबर ऑफ द हार्ट इज द एरोटा अटैच्ड? तो दो एरोटा यानी कि महाधमनी किस भाग से जुड़ा होता है? तो हृदय के बाएं निलय से जुड़ा होता है। तो ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाएं निलय यानी बाएं वेंट्रिकल, जहां से एरोटिक वाल्व के रास्ते रक्त जाता है आरटीएम एरोटा यानी महाधमनी में, और महाधमनी से समस्त शरीर को भेज दिया जाता है शुद्ध रक्त। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप के समय हृदय के किस भाग को कठिन कार्य करना पड़ता है? तो विच पार्ट ऑफ द हार्ट हैज टू वर्क हार्डर ड्यूरिंग हाई ब्लड प्रेशर? तो दोस्तों सबसे ज्यादा कार्य करता है, वैसे भी सबसे ज्यादा काम करता है बायां नीले, और उच्च रक्तचाप के समय तो और ज्यादा कठिन कार्य करना पड़ता है, तो वो होता है बाएं वेंट्रिकल, यानी कि उच्च रक्तचाप के समय कठिन कार्य करना पड़ता है बाएं नीले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें आयु को प्रतिस्थापित कर अधिकतम एचआर की गणना की जाती है? मैक्सिमम एचआर यानी हार्ट रेट इज कैलकुलेटेड बाई रिप्लेसिंग एज विद विच ऑफ द फॉलोइंग? वो होता है आपका 220, क्या होता है 220 माइनस एज आप करेंगे तो मैक्सिमम हार्ट रेट आपका ज्ञात हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डियोवैस्कुलर बीमारी किससे संबंधित है? कार्डियोवैस्कुलर डिजीज इज रिलेटेड टू, तो किससे संबंधित है दोस्तों? तो यह संबंधित है हृदय व रक्त धमनियों से संबंधित बीमारी, डिजीज रिलेटेड टू हार्ट एंड ब्लड आर्टरीज, यानी हृदय वाहिका रोग जो है कार्डियोवैस्कुलर, हृदय की स्थिति जिसमें रोगग्रस्त वाहिकाएं, संरचनात्मक समस्याएं और रक्त के थक्के शामिल होते हैं, यानी कि यह अचानक अप्रत्याशित तरीके से दिल का काम करना बंद हो जाता है, सांस न ले पाना और बेहोश हो जाना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एमएल रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इन 1 ml ब्लड? तो यहाँ पे राइट होगा 300,000, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग में रक्त ऑक्सीजन रहित तो होता है? तो इन विच ऑर्गन इज द ब्लड डीऑक्सीजनेटेड? तो किस अंग में होता है? तो हृदय के दाएं भाग में, हृदय के बाएं भाग में, कि मांसपेशी में, कि यकृत में? तो दोस्तों हृदय के दाएं भाग, दायां अलिंद और दायां नीलय दोनों में जो रक्त होता है ऑक्सीजन रहित होता है, तो यहाँ पे हृदय के दाएं भाग आपका राइट होगा, इन द राइट साइड ऑफ द हार्ट। तो हृदय के दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त बहता है और बाएं भाग में शुद्ध रक्त बहता है, याद रखिएगा। जैसे कि समस्त शरीर से अशुद्ध रक्त को सिराए यानी कि अग्र महाशिरा और निम्न महाशिरा दोनों ला करके जमा करती हैं दाएं अलिंद में, और दाएं अलिंद जब संकुचित होता है तो दाएं अलिंद दाएं नीलय के बीच ट्राइकैस्पिड कपाट होता है, और जब संकुचित होता है तो ट्राइकैस्पिड कपाट खुल जाता है और रक्त अशुद्ध रक्त आ जाता है दाएं नीलय में, और दाएं नीलय जब संकुचित होता है तो पल्मोनरी धमनी के रास्ते अशुद्ध रक्त शुद्ध होने के लिए चला जाता है फेफड़ों में, और फेफड़ों से शुद्ध होकर के वह शुद्ध रक्त जो है फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर के शुद्ध हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है, तो शुद्ध रक्त होकर के पल्मोनरी सीरा के माध्यम से बाएं अलिंद में आता है शुद्ध रक्त, और बाएं अलिंद से बाएं नीलय में आता है, बाएं नीलय से एरोटिक वाल्व के रास्ते महाधमनी में जाता है, और महाधमनी से समस्त शरीर को भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार दाएं हृदय के दाएं भाग में अशुद्ध रक्त और बाएं भाग में शुद्ध रक्त बहता है। नेक्स्ट, रक्त संचरण का सही क्रम क्या है? रक्त संचरण का सही क्रम क्या है? तो दोस्तों रक्त संचरण का, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ब्लड ट्रांस फंक्शन? तो यहां पे राइट होगा, सबसे पहले हृदय से कहा जाता है
धमनी में, धमनी से धमनिका में, धमनिका से केशिका में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा, कार्डियक आर्टरी एट्रियोल एंड कैपिलरीज, हृदय, धमनी, धमनिका, केशिका। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की तितिक्षा क्षमता है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ हार्ट टू सर्वाइव। यहाँ पे कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस होना चाहिए। तो तितिक्षा क्षमता यानी कि तितिक्षा क्षमता कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस कैपेसिटी को कहते हैं। तो यहाँ पे सर्वाइव गलत टाइपिंग हो गया है। तो यहाँ पे तितिक्षा क्षमता यानी कि कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस कैपेसिटी, हृदय की कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस कैपेसिटी यानी तितिक्षा क्षमता होती है। तो कौन सा सामर्थ्य होता है, एरोबिक की एनारोबिक। तो यहाँ पे एरोबिक कैपेसिटी होगा, राइट क्या होगा, एरोबिक कैपेसिटी। जहाँ भी कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस आए तो वहाँ सहन क्षमता यानी एंड्योरेंस की बात हो रही है, तो वहाँ वायु वायवीय श्वसन के द्वारा, वायवीय क्रियाकलाप के द्वारा, एरोबिक क्रियाकलाप के द्वारा वो संभव होगा। जहाँ पे मसल्स यानी स्ट्रेंथ की बात आए वहाँ पे अनएरोबिक कार्य होगा, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि लंबे समय तक शारीरिक क्रियाकलाप के दौरान हृदय द्वारा मांसपेशियों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराना ही आपका कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस है, एरोबिक सामर्थ्य यानी कैपेसिटी है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की अतिवृद्धि क्या है, व्हाट इज द कार्डियक एनलार्जमेंट। तो हृदय की अतिवृद्धि क्या है दोस्तों, ये है आपका नीलय भित्ति में सामान्य चौड़ाई, नीलय की जो दीवारें हैं उसमें सामान्य चौड़ाई यानी कि नॉर्मल विड्थ ऑफ द वेंट्रिकुलर वॉल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के सामान्य रुधिर का अधिकांश भाग होता है, मेजोरिटी ऑफ ह्यूमन नॉर्मल ब्लड कंसिस्ट ऑफ। तो वहां पे आपका सामान्य रुधिर का अधिकांश भाग होता है तो प्लाज्मा होता है, क्या होता है, प्लाज्मा। हमारे शरीर में रक्त जो है दो प्रकार में बांटा गया है, कितने प्रकार में, दो प्रकार में, प्लाज्मा एंड रक्त प्लाज्मा एंड रक्त कणिका, रक्त प्लाज्मा एंड रक्त कणिका। तो 55% भाग आपका पाया जाता है प्लाज्मा का, द्रवीय भाग जो तरल पदार्थ होता है हल्के पीले रंग का, 55% भाग द्रवीय भाग यानी प्लाज्मा होता है और 45% भाग ब्लड सेल्स होता है, ठोस भाग यानी कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक ऊंचाई पर होने के पहले कुछ दिनों के दौरान किस भौतिक यानी शारीरिक परिवर्तन के अनुभव करने की संभावना होती है, विच फिजिकल चेंजेस आर यू लाइकली टू एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ हाई एल्टीट्यूड। तो दोस्तों अधिक ऊंचाई पर जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, इंक्रीज ब्लड प्रेशर यानी कि बढ़ा हुआ रक्तचाप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय वाहिका सहन शक्ति क्षमता है, व्हाट इज कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस कैपेसिटी। तो किसमें होता है, वायवीय शक्ति में, इसमें ऑक्सीजन की अधिक आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, एंड्योरेंस डेवलप होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय के चारों ओर घिरा, हृदय चारों ओर से घिरा होता है, द हार्ट इज सराउंडेड बाई, किससे घिरा होता है हृदय चारों ओर से। तो पहली परत होती है पेरिकार्डियम, जो पेरिकार्डियम के द्वारा चारों तरफ से घिरा रहता है हृदय, जिसके अंदर सेरस नामक द्रव होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन रक्त संचारित होता है, विच आर द फॉलोइंग इज ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड, यानी रक्त में क्या क्या संचारित होता है। तो रक्त में एंजाइम, ऑक्सीजन, हार्मोन, ये सभी ऑल ऑफ द एबव आपका राइट हो जाएगा, यानी रक्त में यही सभी संचारित होते हैं, जैसे कि एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, ए प्लाज्मा में प्रोटीन पाया जाता है। एंड सॉल्ट में आपका 8% प्रोटीन, अब प्लाज्मा में 90% पानी पाया जाता है, नमक जो है साल्ट जो है 0.9% पाया जाता है, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन। उसके अलावा 0.1% कार्बनिक पदार्थ यानी ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, ग्लूकोज, फैट, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिन, कोलेस्ट्रॉल, अमीनो एसिड। इसके अलावा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एंजाइम, एंटीजन, ये सभी प्रवाहित होते हैं रक्त में। जो भी इतना इतने सारे नामों में से कोई भी आएगा तो वो सही रहेगा, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मनुष्य के हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर ह्यूमन हार्ट टू बीट वंस? तो एक बार धड़कने में मनुष्य के हृदय को टाइम लगता है 0.8 सेकेंड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाया अलिंद और बाया नीले के बीच कौन सा वाल्व है? विच वाल्व इज बिटवीन द लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल? तो वो होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। यानी कि दोस्तों हृदय में चार वाल्व यानी कि चार कपाट यानी दरवाजे होते हैं। एक दरवाजा होता है आपका दाएं अलिंद दाएं निलय के बीच जिसे ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। दूसरा होता है बाएं अलिंद बाएं निलय के बीच जिसे बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व कहते हैं। और तीसरा होता है आपका जो पल्मोनरी धमनी लेके जाती है अशुद्ध रक्त फेफड़ों तक, तो वो एरोटिक वाल्व के रास्ते, ठीक है, जो पल्मोनरी धमनी और बाएं दाएं निलय के बीच होता है एरोटिक वाल्व। दो सेमिनल वाल्व होता है, एक एरोटिक वाल्व, दूसरा होता है आपका पल्मोनरी वाल्व होता है दोस्तों, पल्मोनरी वाल्व। एंड चौथा होता है आपका एरोटिक वाल्व जिसके रास्ते महाधमनी में बाएं निलय से रक्त जाता है, यानी कि बाएं निलय और महाधमनी के बीच होता है। इस प्रकार चार वाल्व होते हैं। नेक्स्ट है, एक धड़कन में हृदय द्वारा फेंके जाने वाले रक्त की मात्रा को क्या कहते हैं? द अमाउंट ऑफ ब्लड थ्रू आउट बाई द हार्ट इन वन हार्ट बीट इज कॉल्ड। तो ये कई बार क्वेश्चन हो चुका है। हृदय के एक धड़कन में एक बार संकुचन होने पर जितना रक्त शरीर की तरफ फेंका जाता है उसे कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या कहते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वैल्यू हमारा होता है कितना? 70। और 70 स्ट्रोक वॉल्यूम होता है। और कार्डियक आउटपुट क्या होता है कि एक मिनट में जितना रक्त शरीर की तरफ फेंका जाता है उसे हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट। तो एक मिनट में कार्डियक आउटपुट को ज्ञात करने का सूत्र होता है स्ट्रोक वॉल्यूम गुणे हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है एक धड़कन में? 70 ml। और एक मिनट में कितना बार धड़कता है हमारा दिल यानी हार्ट बीट कितना होता है? 72। तो 70 गुणे 72 का गुणा करेंगे तो 5040 आएगा ml, यानी कि 5.04 लीटर आपका एक मिनट में हृदय जो है रक्त को पंप करता है। तो हृदय का कार्डियक आउटपुट कितना होता है? 5.04 लीटर, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय के किस भाग से रक्त शरीर के विभिन्न भागों के लिए प्रवाहित होता है? From which part of the heart does blood flow to different parts of the body? तो दोस्तों बायां वेंट्रिकल से, ठीक है, बाई वेंट्रिकल से जाता है एरोटिक वाल्व के रास्ते महाधमनी में, और महाधमनी में समस्त शरीर को भेज दिया जाता है। तो हृदय के किस भाग से समस्त शरीर को भेजा जाता है? तो बाएं वेंट्रिकल यानी बाएं नीले से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है? तो हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इज, तो यह ऑक्सीजन को आकर्षित करना ले जाना, अट्रैक्टिंग एंड कैरिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लेकर के शरीर के समस्त कोशिकाओं तक पहुंचाता है और वायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा ग्लूकोज को ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यायाम का रक्त प्रवाह संस्थान पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्यायाम का रक्त प्रवाह संस्थान पर क्या प्रभाव पड़ता है? What effect does exercise have on blood circulation? तो व्यायाम का रक्त संस्थान पर क्या प्रभाव पड़ता है? स्ट्रोक आयतन में वृद्धि होता है यानी इंक्रीज द स्ट्रोक वैल्यू। सही बात है, एक धड़कन में 70 ml पंप करता है तो जब व्यायाम करते हैं तो 100-150 ml पंप करने लगता है। हृदय के आकार में वृद्धि होती है जिसे हम एथलीट हार्ट कहते हैं। अब कोलेस्ट्रॉल स्तर में कमी होती है यानी कि HDL की मात्रा बढ़ती है, LDL की मात्रा कम होती है। उपरोक्त सभी यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव आकर राइट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाड़ी का हृदय है जो एथलीट हार्ट बोला जाता है, यानी कि नियमित व्यायाम से हृदय का आकार आकृति बढ़ जाता है, इसे खिलाड़ी का हृदय कहते हैं। व्हाट इज द प्लेयर हार्ट? तो यहाँ ही यह आपका हृदय हाइपोट्रॉफिक स्थिति आपका राइट होगा, हृदय हाइपोट्रॉफिक स्थिति, यानी कि एक खिलाड़ी का हृदय हाइपोट्रॉफिक स्थिति में होता है। इसका तात्पर्य यह है कि अप्रशिक्षित खिलाड़ी का सामान्य पल्स रेट जो होता है, हार्ट रेट,
70 से 72 होता है, जबकि प्रशिक्षित खिलाड़ी का हार्ट रेट जो होता है 40 से 50 होता है। इसलिए इसका प्रभाव खिलाड़ी के हृदय पर पड़ता है और खिलाड़ी का हृदय हाइपोट्रॉपिक स्थिति में पहुंच जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त लैक्टेट संचयन के प्रारंभ को निम्न में से निम्न भी कहा जाता है। द ऑनेस्ट ऑफ ब्लड लैक्टेट एक्यूमुलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड। तो जो लैक्टिक एसिड होता है दोस्तों, उसका बनना प्रारंभ कब होता है? एनारोबिक रिस्पायरेशन, एनारोबिक क्रियाकलाप जो एक्टिविटी होता है उसमें होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, वात निरपेक्ष शुरुआत यानी कि एनारोबिक ऑनसेट या थ्रेशोल्ड, यानी कि जो शक्तिवर्धक क्रियाएं होती है जिसमें तीव्रता इंटेंसिटी ज्यादा होती है, तीव्रता ज्यादा होता है और कम समय की क्रियाएं होती हैं, पूर्ण क्षमता से किया जाता है, मसल्स ज्यादा यूज होता है, तो वहां पे आपका लैक्टिक एसिड जल्दी बनता है। अनएरोबिक क्रिया होती है, ऑक्सीजन की बिना होती है, तो वो आपका एनएरोबिक एक्टिविटी के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों आज के लिए यहाँ पे 30 क्वेश्चन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के क्वेश्चन समाप्त होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो आपका होगा तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, जो भी डाउट होगा कमेंट में बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी किया कीजिए और डेली बेसिस पे इसी तरह मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।